हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे विल डिस्कस अबाउट इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को समझने से पहले हमें डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में कुछ बातें पता होना चाहिए। जो डेफिनेट इंटीग्रल था उसका हमारे पास एक मेन लिमिटेशन ये थी, उसके अंदर जो हम इंटीग्रेशन करते टाइम जो हम लिमिट रखते थे वो हमें रियल नंबर रखनी पड़ती थी, जैसे 1, -1, 2, 3 एट्सेट्रा। और जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, जैसे कि हम उसके अंदर रियल नंबर लिमिट रखते थे, लेकिन अगर हम जो रियल नंबर नहीं होती जैसे इन्फिनिटी, इनको अगर हम लिमिट रखें तो हम डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर उसको सोल्व नहीं कर सकते, दैन उसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो हमारे पास इसकी जो फर्स्ट टाइप आती है, वो आती है जिसके अंदर हम एक फंक्शन दे रखा है इंटीग्रेशन के अंदर, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, जिसकी हमें लिमिट दे रखी है ए, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है ए से इन्फिनिटी। सो इसको फर्स्टली हम पुट अप कर लेंगे ए की जगह, ए को ए इन्फिनिटी की जगह पे एक्स, ओके। और यहाँ पे ले लिया लिमिट एक्स डेंस टू इन्फिनिटी और एफ एक्स एज इट इज, एफ एक्स यहाँ पे डी एक्स होगा, ओके। देन इसका हम इक्वेशन ऐड करते हैं, जैसे हमने इक्वेशन ले लिया इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। सो अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन है ये, इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम इसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। देन ये आ जाएगी लिमिट एक्स डेंस टू ले लिया हमने इन्फिनिटी, देन ए की वैल्यू थी हमारे पास 0 और यहाँ पे ले लिया हमने एक्स, सो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब ई की पावर माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस ई माइनस एक्स, और हमारे पास लिमिट आ गई 0 से एक्स, और यहाँ पे चल रहा था हमारी लिमिट एक्स डेंस टू इन्फिनिटी, ओके। देन इसके अंदर हम एक बार पुट अप करेंगे माइनस ई एक्स की पावर एक्स एंड माइनस ई इसकी पावर 0, देन इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सो ये हो गया इसका सॉल्यूशन इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर, इसका फर्स्ट टाइप के अंदर हम फंक्शन को ले लेंगे, इसके अंदर ए की वैल्यू को एच इट इज, एक्स की वैल्यू को इन्फिनिटी की जगह एक्स रख देंगे और लिमिट ले लेंगे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस मेथड से सोल्व करें। सो सेकंड टाइप को सोल्व करने से पहले हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे पुट अप कर दी ए की पावर माइनस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम ई की पावर एक्स, ओके। माइनस जो ई की पावर 0 होती है वो होती है 1, जिस माइनस और यहाँ पे एक बार इसके अंदर ले रखा हमने माइनस, तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस। जो ई की पावर एक्स है, हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे, तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे इन्फिनिटी रखी, तो ये एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पे रखी, तो हमारे पास ये टर्म हो जाएगी 0, देन हमारे पास जो सोल्यूशन आता है 1 आता है। सो अब हमारे पास आता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का सेकंड टाइप, जिसके अंदर हमें एक फंक्शन दे रखा है, उसकी लिमिट दे रखी है माइनस इन्फिनिटी से ए। सो इसको हम पुट अप कर लेंगे लिमिट वाई टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी की जगह रख देंगे वाई एज इट इज, ए को एज इट इज, देन एफ एक्स और यहाँ पे डी एक्स। इसको समझने के लिए हमने क्वेश्चन लेट कर लिया, जैसे इवेलुएट लिमिट दे रखी माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड 2 की पावर एक्स डी एक्स। सो इसको सोल्व करने से पहले हमें इसको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होगा, दैट इज लिमिट वाई टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी वाई से 0 टू एक्स डी एक्स। तो अब हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करते टाइम लिमिट वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 की पावर एक्स अपॉन लॉग 2, ओके। देन लिमिट आ गई वाई से 0, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो लिमिट वाई टेंड्स टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट थी हमारे पास 2 की पावर 0 अपॉन एल एन देर इज लॉग 2 माइनस 2 की पावर वाई अपॉन एल एन 2। सो अब इस कंप्लीट इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन एल एन 2। सो ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का लास्ट में आंसर। सो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें इस टाइप से इस डेफिनेशन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद, इनकी लिमिट को चेंज करने के बाद इनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देन हम चलते हैं इसका थर्ड टाइप। सो फर्स्ट वाले केस के अंदर हमने एक प्लस इन्फिनिटी और ए की वैल्यू ली, सेकंड वाले केस के अंदर माइनस इन्फिनिटी और ए की वैल्यू ली। अगर हमारे पास दोनों वैल्यू एक साथ आ जाए, जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाए इसका, तो हम इसको दोनों के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे फर्स्टली हम इसे कन्वर्ट करेंगे लिमिट
इसको मान लिया हमने x, सो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो गया, नीचे आ जाएगा a और यहाँ पे हो जाएगा x, और एफ एक्स एज इट इज दैट इज डी एक्स प्लस, यहाँ पे a ले लिया था हमने, तो यहाँ पे हमने ले लिया लिमिट y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमन, ये था माइनस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा a दैट इज एफ एक्स डी एक्स। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लेट कर लिया, दैट इज इवेलुएट लिमिट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ओके इज इक्वल टू, इसको पहले हम इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जीरो से एक्स, ओके एफ एक्स डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस लिमिट एक्स डेंस वाई डेंस टू लिए हमने माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे वाई को वाई एच इट इज ए की वैल्यू है यहाँ पे जीरो, सो डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ओके देन हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट एक्स डेंस टू इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और लिमिट आ गई जीरो से, दैट इज जीरो से x और जीरो से y, सो यहाँ पे आ गई जीरो से x, ओके देन प्लस लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ओके देन इसकी लिमिट आ गई यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x दैट इज y से जीरो, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी अपर लिमिट टेन इनवर्स x, ओके माइनस टेन इनवर्स जीरो, देन प्लस लिमिट y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी दैट इज टेन इनवर्स जीरो माइनस टेन इनवर्स दैट इज y, ओके देन इसके अंदर इसकी वैल्यू होती है जीरो और इसकी वैल्यू होती है जीरो, इसके अंदर जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स इन्फिनिटी की पाई बाई टू, और यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो टेन इनवर्स वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाई टू, सो लास्ट के अंदर ये दोनों कैंसिल आउट और ये हो गया जीरो, सो इस कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया जीरो। पहले हम इसको अकॉर्डिंग टू इस डेफिनेशन दोनों पार्ट को डिवाइड कर लेंगे, देन दोनों का सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन इसके बाद इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये था हमारे पास तीन टाइप ऑफ इंप्रॉपर इंटीग्रेशन।